तब्दील होने बाकी हैं। आकाश सक्सेना रामपुर से पीछे चल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कद्दावर नेता, बड़ा नाम है आजम खान का, वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट का। यासिर साहब ने कहा कि कांग्रेस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आनंद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग तमाम चीज़ों को कवर करते रहे, ग्राउंड पर भी गए। जो अभी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो सबकत इस वक्त रुझानात के हवाले से दिखाई जा रही थी, जब हम बात कर रहे थे तो सबका ये कहना था कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट नहीं होंगे, ये देख लीजिएगा। कई लोगों ने तो ये कहा, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, कि ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन एग्जिट पोल के आसपास ही ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए दिख रहे हैं। जी, मैंने अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया था और अपने रिपोर्ट में मैंने लिखा था कि जो भी समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी बनाई गई वो दिल्ली से बनाई गई है, हकीकत ये नहीं है। जमीन में मुद्दे जरूर हैं जो भाजपा के खिलाफ जाते हैं, जैसे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, आवारा पशुओं का हो, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन जब आप इन मुद्दों को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये जो गुस्सा है भाजपा के लिए, वो वोटों में भी तब्दील हो जाएगी, मतलब नेगेटिव वोट्स पड़ जाएंगे और समाजवादी पार्टी आगे निकल जाएगी, ऐसा लोगों ने आकलन किया। लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखा था। मैं अपने रिपोर्ट में स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी, इन मुद्दों के बावजूद जीतेंगी। उसके कई कारण थे, एक तो राशन और प्रशासन बहुत बड़ा कारण था। अच्छा। जो गरीबों में राशन बांटी गई और कोविड के लॉकडाउन के समय से बांटी जा रही है, मैं ये तो नहीं करूंगा कि ये एक बहुत अच्छी सॉल्यूशन मॉडल है। हाँ। ये तो फ्रीबीज बांटना या सॉप्स बांटना, लेकिन वो लोगों पर, गरीब वर्ग के लोगों से जब मैं बात करता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि चलो ये इनकी नीयत ठीक है, ये हमें कुछ दे रहे हैं। और एक ऐसा पैंडेमिक है जिसमें अमेरिका भी नहीं निपट पाया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये खुद वो उनका कहना था कि जिससे अमेरिका भी नहीं निपट पाया तो वहां पे हमें भी काफी कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इनकी नीयत ठीक है तो आगे हम देखते हैं, इनको बदलने की जरूरत नहीं, हम देखते हैं क्या हो। दूसरी, अगर एक बहुत बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के इस जीत की, इन मुद्दों के बावजूद भी, बेरोजगारी के मुद्दों के बावजूद और महंगाई के मुद्दे के बावजूद, वो ये है कि समाजवादी पार्टी में जो लेबल लगा हुआ है उसका बहुत बड़ा असर है। अब आप उसे हकीकत कहिए या आरोप कहिए, लेकिन लोगों के बीच जब आप जाइएगा तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इश्यू बनकर के सामने आता है। हाँ। अब हम ये कह सकते हैं कि योगी राज में भी बहुत बड़े बड़े कांड हुए, लखीमपुर का हो या उन्नाव हाथरस में हो, और जहाँ आरोपियों को एक तरफ से हमें लगा कि संरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन वो हम उस नजरिए से देखते हैं क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। जब आप लोगों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि देखिए हमारी संवेदनाएं हैं, इन ये घटनाएं जो हुई और जो संरक्षण जो मिला आरोपियों को, ये सही नहीं है। ये एक चीज बहुत चौंकाने वाली है, लखीमपुर का आपने जिक्र किया, लखीमपुर का मुद्दा पूरे मुल्क में उठा, हम ये जानते हैं। लखीमपुर में 8 सीटें हैं, 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 पर लीड कर रही है। जी, उसी का कारण मैं बता रहा हूँ। जहां भी मैं गया, सिर्फ लखीमपुर नहीं, हाथरस के जो विक्टिम्स थे उनके लिए भी लोगों के मन में काफी सहानुभूति, और कांग्रेस ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया उसे भी लोग सही कहते हैं, लेकिन लोगों का एक अपना नजरिया है। उनका कहना है कि देखिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, संरक्षण मिला वो गलत था, लेकिन हम पहले अपनी सोचेंगे। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गली गली में, मोहल्ले में, गांव में कुछ ऐसे आपराधिक तत्व थे जो हमें बहुत परेशान, सब कुछ फेल था। अब ये